सोचा है कि आपके पैसे के साथ रिश्ता कैसा है? क्या पैसा कमाना आसान है? क्या आपको लगता है कि पैसा हमेशा कम होता है? अगर आप ये सोचते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। हम बात करेंगे आपके चाइल्डहुड कंडीशनिंग के बारे में और कैसे बचपन की सोच आज हमारे इस फाइनेंशियल डिसीजंस को इफेक्ट करती है। अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप और भी ऐसे शानदार वीडियोस को सुन सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं, हम समझ लेते हैं कि चाइल्डहुड कंडीशनिंग होती क्या है। जब हम बचपन में थे तो हमारे पेरेंट्स, टीचर्स और आसपास के लोग हमें पैसों के बारे में क्या बिलीव्स देते थे, वो हमें क्या सिखाते थे। ये बिलीव्स पॉजिटिव भी हो सकती हैं या फिर ये बिलीव्स नेगेटिव भी हो सकती हैं। जैसे अगर आपने ये सुना होगा बचपन से कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता है, या ज्यादा पैसे कमाने वाले लोग ग्रीडी होते हैं, तो आपको ये लगने लगता है कि पैसा कमाना मुश्किल है या पैसा बुरा है, और ये बिलीव्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी बैठ जाते हैं। चलिए एक और एग्जांपल बताती हूँ। जब हम छोटे थे, मान लीजिए आपके पैसों को लेकर आपने हमेशा देखा होगा कि आपके घर वाले चिंतित रहते थे। जब आपके पेरेंट्स को बिल भरना होता था तो वो टेंशन में आ जाते थे। आपने उन्हें पैसों को लेकर हमेशा ये देखा है कि वो चिंता करते हैं। उन्होंने आपको कहा, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, या पैसे को संभाल कर खर्च करो। आपके मन में पैसे के साथ एक नेगेटिव इमोशन जुड़ जाता है, एक नेगेटिव इमोशन जुड़ जाता है जो ये कहता है कि हमारे पास पैसा इतना नहीं है, हमें पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। तो आज भी जब आपको किसी चीज के लिए, अपने लिए या अपने घर वालों के लिए पैसा खर्च करना होता है, तो आप खुद एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाते हैं, भले ही आपकी सैलरी ज्यादा भी क्यों ना हो। सोच के देखिए, क्या आपके बचपन में भी आपके घर वालों ने पैसों को लेकर ये परेशानी जताई है, या आपने देखा है उन्हें हमेशा परेशान रहते हुए? क्या उन्होंने आपको पैसे को लेकर काफी रिस्ट्रिक्टिव बिलीव्स दिए हैं? यही चाइल्डहुड बिलीव्स आपके आज के फाइनेंशियल डिसीजंस पर सीधा असर डालते हैं। जैसे अगर आपने बचपन में सीखा है कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, तो आप आज भी नए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने से डरेंगे। या अगर आपको ये सिखाया गया कि पैसे वाले लोग हमेशा घमंडी होते हैं, तो आप शायद फाइनेंशियल सक्सेस से कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली दूर भागेंगे। और एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए बचपन में आपके पेरेंट्स हमेशा सेविंग्स को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं। जब भी आपने कुछ एक्स्ट्रा खरीदने की बात की, उन्होंने कहा, फिजूल खर्ची मत करो। आज जब आप अपने लिए कुछ खरीदते हैं तो आपको एक गिल्ट फीलिंग होती है, जैसे कि आपने कुछ गलत कर दिया है। ये गिल्ट आपके चाइल्डहुड से आता है, क्योंकि आपने यही सीखा था कि पैसे को सेव करना चाहिए, सब कुछ है और खर्च करना गलत बात है। अब आप अपनी लाइफ में कितनी बार ऐसे मोमेंट्स देखते हैं जहां पे आप पैसा खर्च करने या कमाने से पहले गिल्ट या डाउटफुल फील करते हो? क्या ये आपके बचपन के बिलीफ से का असर है? अब जब आपको ये पता लग गया है कि कैसे आपके चाइल्डहुड कंडीशनिंग आपके करंट मनी माइंडसेट को शेप करती है, तो समय है इस माइंडसेट को शिफ्ट करने का। सबसे पहले स्टेप है अपने बिलीव्स को आइडेंटिफाई करना और उनको चैलेंज करना। जैसे अगर आपको लगता है कि पैसे कमाना मुश्किल है, तो आप अपने आप को ये पूछ कर देखिए, क्या ये वाकई सच में है? क्या लोग पैसा आसानी से नहीं कमा रहे? आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में नए पॉजिटिव बिलीव्स डालने पड़ेंगे। तो दोस्तों, आज का सबक ये है कि पैसे के बारे में हमारे बिलीव्स हमारे बचपन से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि इन बिलीव्स को समझने की और उन्हें बदलने की जरूरत है। अगर आप भी पैसों को लेकर लिमिटिंग बिलीव्स को शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आज से ही आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना शुरू कर दीजिए। कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आपका चाइल्डहुड कंडीशनिंग का एक्सपीरियंस कैसा था और आज आपने पैसों के रिश्ते को कैसे देखते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए,
मैं पूनम मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ध्यान रखें और पॉजिटिव सोच को अपनाएं। बाय।